हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। फॉरेंसिक जो कि एक मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है। कहाँ पर वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, जहाँ से आप लोग फ्री में इसको जाके देख सकते हो। ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 12 मिनट की है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि मैं किस मूवी का रिव्यू करूँगा, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, जिसके लिए मैं उन सभी को शाउट आउट देना चाहूँगा। यार इतने सारे लोग हैं, सबका नाम तो ले नहीं सकते, तो स्क्रीन पर नाम आ रहे तो उनको मैं इतने बोलूँगा थैंक यू सो मच दोस्तों। यार तुम लोग सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए अब बात करेंगे इस मूवी की। तो यार कहानी शुरू होती है एक 5 साल की बच्ची से, जिसका हो जाता है किडनैप और उसके बाद हो जाता है उसका मर्डर। इतना ही नहीं, उसी एज की यानी कि 5 साल की दूसरी बच्ची का भी इसी तरह से किडनैप हो जाता है और उसका भी मर्डर हो जाता है। तो अब ऐसे में इन सारे मर्डर्स के पीछे कौन है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपको रस्सासन या अंजाम पतीला जैसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो ये मूवी भी आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि मैं यहाँ पर रस्सासन से इस मूवी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक रस्सासन वाली वाइब से वो आप लोग इस मूवी में फील कर पाओगे। उसके अलावा इस मूवी में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, स्पेशली टोविनो थॉमस के कैरेक्टर को, जिसने यहाँ पर मेडिकल लीगल एडवाइजर यानी कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल प्ले किया है। उस कैरेक्टर को इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रेव लिखा है कि कहीं ना कहीं उसके पास हर एक सवाल का जवाब है। और हीरो को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो डम बताता तो फिर वो मूवी में जो मज़ा है वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को प्रेजेंट किया है ना, वो आपने आज से पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। और ये है साउथ की स्पेशलिटी कि वो लोग अगर कुछ नया भी करते हैं तो उसको इतनी अच्छी से, इतनी डिटेलिंग में करते हैं कि आपको देखते ही बस बोलो यार क्या करा है लोगों ने, यार मज़ा आ गया। उसके अलावा इस मूवी में हमें इंडिया यंगेस्ट सीरियल किलर, जो कि 8 से 9 साल का बच्चा है बिहार का, इतनी कम एज के बच्चे भी सीरियल किलर हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब ये बात हो ही गई तो मैं आपको बता दूं कि सीरियल किलर कोई भी हो सकता है, देखिए कोई पैदाइशी किलर नहीं होता है। जब वो बच्चा छोटे से जब बड़ा होता रहता है तो उसके साथ जब चीज़ें होती है ना, तो उस हिसाब से उसकी एक मानसिक स्थिति है ना, वो बिगड़ती जाती है। तो क्राइम ही होता है, लेकिन उस क्राइम को रोकने से पहले बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो आप लोग कहीं ना कहीं इस मूवी के थ्रू फील कर सकते हो। उसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। और अगर BGM की बात करो तो आफ्टर अच्छा इस पर्टिकुलर मूवी का BGM ला ला ला, अब मेरे मुंह से चुतियापा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इस मूवी में सुनोगे तो वो आपको हॉन्टिंग वाली फीलिंग आएगी भाई, बहुत ही तगड़ा BGM है इसका। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो टोविनो थॉमस ने अपने इस रोल में जान डाल दी, वो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही आपको पूरी मूवी में नज़र आते, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब एक एक्टर किसी कैरेक्टर को प्ले करता तो ऑडियंस को वो फील आना चाहिए कि हम किसी कैरेक्टर को देख रहे हैं, ना ही हम उस एक्टर को देख रहे हैं। वो चीज़ आप लोग यहाँ पर टोविनो थॉमस के परफॉर्मेंस में फील कर पाते हो। उसके अलावा जितने भी फीमेल एक्ट्रेस हैं उनको यहाँ पर आप कह सकते हो को लिया है, बट इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी प्रेजेंस आपको जता पाते हैं। और बाकी जितने भी चाइल्ड एक्टर्स हैं, एवरीवन हैज डन देयर रोल वेरी ब्रिलियंटली, मज़ा आ गया यार देखकर। एडिटिंग अच्छी है, फालतू मूवी को खींचा नहीं गया है, डायरेक्शन ओवरऑल बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा। ये उन मूवीज़ में से है कि जो हर 5 मिनट में आप कुछ ना कुछ ऐसा बताएगी जिसके बाद आप लोग पूरी तरह से फेविकॉल लगा के सीट पर बैठ जाओगे। डल गाइडेंस के लिए इतना बोलूँगा, यस ये आप अपने घर पर बैठ के देख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना क्योंकि सीरियल किलर के ऊपर ये मूवी है। और मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 out of 10, मुझे बहुत अच्छी लगी, दूसरों का मुझे पता नहीं। और ये आपको हिंदी में कहाँ देखने को मिलेगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उस पर जरूर जाके एक बार देख लेना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को दबा के शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से बाय।